रणबीर कपूर और नीतू कपूर को कोरोना होने की खबरों ने तेजी से जोर पकड़ लिया था और इस पर रिद्धिमा कपूर ने पूरे मामले की सच्चाई भी बताकर इस खबर पर विराम लगा दिया है। और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि करण जौहर को भी कोरोना वायरस हो गया है। जी हां, कहा जा रहा है कि करण जौहर भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। बीते दिन जब नीतू का बर्थडे था तो ये तमाम सेलिब्रिटीज एक ही छत के नीचे पार्टी इंजॉय करते नजर आए थे और इसी के चलते करण जौहर को भी कोरोना हो गया है। तो इस पर भी रिद्धिमा ने चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि ये सभी खबरें अफवाह है, इन सभी बातों पर ध्यान ना दिया जाए और सबको सचेत कहा है कि इस तरह की अफवाहें वो ना उड़ाएं। आप जानते हैं कि बीती रात 10 बजे के करीब अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके जानकारी दी कि वो कोरोना की चपेट में आ गए हैं। तो वही उन्हें नानावटी अस्पताल में एडमिट कराया गया है जहाँ पर उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और उनका इलाज चल रहा है। यही नहीं, बता दें कि अमिताभ बच्चन की हालत में काफी सुधार है, वहीं अभिषेक बच्चन की स्थिति भी स्थिर है। हालांकि वो भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं लेकिन उनकी कंडीशन भी स्टेबल बनी हुई है। दोनों ही नानावटी अस्पताल में भर्ती है और अब जो हमने आपको बताया है कि करण जौहर को कोरोना वायरस नहीं हुआ है वो बिल्कुल ठीक है और ये तमाम खबरें जो उनको लेकर उड़ाई जा रही हैं वो महज अफवाह है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।